नमस्कार, कार्यक्रम तारे आते में देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम विशेष तौर पर आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। बहुत से घरों में बच्चों को नज़र लग जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। ऐसी हालत में काले रंग के धागे में पांचमुखी रुद्राक्ष या रत्तियाँ या चांदी का चंद्रमा या तांबे का सूर्य पिरोकर सिद्ध करवा के एक माला बनाकर उसके गले में पहना दीजिए। फिर एक और तरीका कि गेहूं के आटे के साथ आप दीपक बनाएं, फिर काले धागे से एक ज्योति जलाएं, उस ज्योति में दो लाल मिर्चे रखें और दीपक को नज़र लगे व्यक्ति से उतार दें, उसार लें, और नज़र लगे हुए व्यक्ति को दरवाजे के बीच बैठने के लिए कहें। फिर उससे सेंधा नमक और मिट्टी को वारें और फिर जल प्रवाह कर दें या वाश बेसन के पानी में बहा दें। अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के समय बैठा हो और दूसरे की बुरी नज़र से उसको बचाना हो तो उससे पहले ज़मीन के ऊपर या चौकी के ऊपर पानी के द्वारा एक त्रिकोण बना दीजिए। उस पर सबसे पहले आप थाली रखिए। ऐसा करने से भोजन पर लगी नज़र आपको नहीं लगेगी और प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जब उनको खाता हुआ कोई देखता है, नज़र लगाता है, तो उसके बाद वो बंदा खाना पीना ही बंद कर देता है, उसकी भूख ही बंद हो जाती है। ऐसा हमारे बहुत से दर्शक हमें बताते हैं। आज थोड़ी सी बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। जैसे पिछले दिनों हमने रुद्राक्ष की कहानी का आपको बताया था कि कालाग्नि रुद्र के मुताबिक देवताओं के हजारों वर्ष तक उन्होंने जब आँखें खुली रखी तो तब उनकी आँखों से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जो बूंदें भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए महारुद्राक्ष नामक वृक्ष बन गई। रुद्राक्ष का यही सबसे बड़ा महत्व है कि इसको धारण करने से रात दिन के पाप खत्म होते हैं और दर्शन करने से लाखों गुना पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं या इसकी माला से अपने इष्ट देव का जाप करते हैं उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले के फल के समान के आकार वाला रुद्राक्ष बड़े आकार का बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन बेर के समान जो रुद्राक्ष होता है मध्यम होता है, लेकिन चने के समान आकार के समान वो मीडियम होता है। अब रुद्राक्ष को धारण करने की हम आपको विधि बता रहे हैं कि इसके बारे में कालाग्नि रुद्र ने कहा कि श्री शंकर भगवान की आज्ञा से पृथ्वी के ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार जाति के रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए और सभी जाति के मनुष्य को अपनी ही जाति के रुद्राक्ष फल दायक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसा हम आने वाले एपिसोड में बताएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये कहेंगे कि अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसको अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे फेसबुक पेज सेम नाम से उसको भी आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9872620533 पे आप ऐड होने के लिए सिंपली अपना नाम, सिटी नेम, कंट्री नेम हमें भेज सकते हैं। अब आज का राशिफल। मेष राशि वाले जातक जो है आज किसी स्त्री के कारण बदनामी के पात्र बन सकते हैं, बहुत ही ध्यान रखिए। जबकि वृष राशि वाले जितने भी कलाकार हैं आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले हवाई उड़ान आपका इंतजार कर सकती है। कर्क राशि वाले जातक जो है आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बिगड़ सकती है। सिंह राशि वाले जातक आज नाम मान सम्मान बहुत होगा। कन्या राशि वाले छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा उठाएंगे। तुला राशि वालों के लिए आज भागम भाग का समय है, जबकि वृश्चिक राशि वाले फोन की पहली घंटी सुखद समाचार सुनाएगी। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सी आज कंजूसी करने से काम ठीक रहेगा। मकर राशि वाले जहाँ भी जाएंगे हर तरफ आपकी जयकार होगी। कुंभ राशि वाले परेशानियाँ कम होंगी और मीन राशि वाले ध्यान और अध्यात्म का सहारा लेकर आप अपनी टेंशन से बच सकते हैं। तो बहुत से दर्शक पूछते हैं कि सुखविंदर जी, हम भी आकर आपको मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, आपसे रतन रुद्राक्ष लेकर पहनना चाहते हैं, वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप समय ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया। फ़ोन नंबर 9417020533 और व्हाट्सएप नंबर है 9872620533।
जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जब भी घर से जाते हो माँ के चरणों को छूकर मस्तक से लगा के जाओ, तकदीर के दरवाजे खुल जाएंगे। पिताजी का आशीर्वाद लेके जाओ, गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलिए, गालियां मत निकालिए, किसी का बुरा मत कीजिए और नशों से परहेज कीजिए और बेटियों को कोख में मत मारिए। हर घर के बाहर एक वृक्ष जरूर लगाइए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा नेक कामों में लगाइए तो जिंदगी संवर जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कल तक के लिए खुशहाल रहिए, सुखी रहिए, आनंदमय रहिए। नमस्कार।